हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आम के सीजन में आप आम से चाहे कितनी भी रेसिपीज बना लें कम है। आज फिर से एक आम की रेसिपी लेकर आई हूँ, मैंगो मलाई कुल्फी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया हुआ है, 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम फ्रेश क्रीम है ये, करीब 2 मीडियम साइज आम से ये गुदा निकाल कर इसे ब्लेंड कर लिया है, बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम, इन्हें मैं कुल्फी में भी डालूंगी और गार्निश भी करूंगी, और 1 चिटकी केसर। तो ये सारी सामग्री चाहिए कुल्फी बनाने के लिए। तो अब मैं कुल्फी बनाना शुरू करूंगी, जिसके लिए एक पैन में मैं दूध डालकर इसे खौला लूंगी जब तक कि ये आधा ना हो जाए। चूल्हे को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है और इसे बीच बीच में चलाते हुए दूध को पकाऊंगी। जब ये दूध खौलने लगेगा तो आंच को और कम कर लूंगी ताकि ये गिरे नहीं। अब आप देख सकते हैं कि दूध खौलने लगा है, तो मैं आंच को धीमा कर लूंगी और धीमी आंच पर इसे पकाते हुए जब तक ये आधा ना हो जाए इसे पकने दूंगी। इसमें करीब 1 चिटकी केसर डाल दी है मैंने, तो ये जितना ज़्यादा दूध के साथ खौलेगा उतना ज़्यादा फ्लेवर देगा। अब इस केसर को भी मैं दूध में मिलाकर पका लूंगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इस तरह से इसका क्रीम जमने लगेगा, तो इसे भी मैं एक साइड में हटाकर और साइड को खुरचते हुए इस दूध को पकाऊंगी। अब इस पैन में मैं फ्रेश क्रीम भी डाल दूंगी और इसे भी दूध में मिलाकर पका लूंगी। इस फ्रेश क्रीम से दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और कुल्फी को अच्छा टेस्ट मिलेगा। अब फ्रेश क्रीम के बाद मैं इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लूंगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। आप फ्रेश क्रीम और चीनी की जगह चाहें तो 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं इलायची का पाउडर डाल दूंगी। दूध गाढ़ा हो चुका है, अब आंच को बंद करके दूध को पूरी तरह ठंडा कर लूंगी। करीब 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम और पिस्ता डाल दिया है मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध भी ठंडा हो गया है। अब इसमें मैं मैंगो का पल्प डालकर अच्छी तरह मिला लूंगी। गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी मिल जाए तो वह क्या बात है। अब ये मिश्रण तैयार है, इसे मैं कुल्फी के मोल्ड में डालकर फ्रिज में करीब 12 से 13 घंटे के लिए जमने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 चम्मच की सहायता से कुल्फी के मोल्ड में मैं इस मिश्रण को डाल रही हूँ, और इस मिश्रण के बाद इसे ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते से सजा लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि कुल्फी का सांचा भरा जा चुका है। तो बाकी के बचे हुए कुल्फी के मिश्रण को मैं एक ग्लास में डालकर आइसक्रीम स्टिक लगाकर इसे भी मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। आप चाहें तो पेपर ग्लास का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते से इसे सजा लूंगी। अब ये तैयार है फ्रीज़र में रखे जाने के लिए, तो इसे ऊपर से
कवर करके इसे मैं फ्रीज़र में रख दूंगी करीब 12 से 13 घंटे के लिए, या जब तक कुल्फ़ी अच्छी तरह ना जम जाए। ग्लास में भी जो कुल्फ़ी का मिश्रण डाला है इसे भी मैं ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते से सजा लूंगी, और फिर इसमें आइसक्रीम स्टिक डालकर इसे भी मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। कुल्फ़ी को सांचे में से निकालने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, जिसमें मैं करीब 10 सेकेंड के लिए इन मोल्ड्स को रख दूंगी ताकि कुल्फ़ी आसानी से निकल जाए। और मोल्ड में से निकाले जाने के बाद कुल्फ़ी को भी मैं ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते से सजा लूंगी। टेस्टी मैंगो कुल्फ़ी तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे अपलोड होने वाली सारी रेसिपीज़ का अपडेट आपको मिलता रहेगा। अब मोल्ड्स में से भी मैं मैंगो कुल्फ़ी को निकाल कर इसे भी मैं बादाम पिस्ते से सजा कर तैयार कर लूँगी, तो ये भी सर्व किए जाने के लिए रेडी है।